नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपको अपने 5paisa ऐप में अपना P&L स्टेटमेंट देखना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लाइव, बुक, आइडिया, मार्केट और यूज़र। आपको यूज़र में क्लिक करना है। यूज़र में क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे माई रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक्ड P&L आपको दिखेगा, बुक्ड P&L। इसमें आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने जितना प्रॉफिट बुक किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2,750 रुपीज़ हमने यहाँ पे बुक किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उसके बाद हमने कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ईयर्स नहीं दिखा रहे हैं। अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कभी भी हमने अपना प्रॉफिट बुक किया होता तो यहाँ पे हमको वो दिखाता। तो यहाँ पे हमने 2021 से कोई भी बुक नहीं किया, तो इसलिए हमको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। म्यूचुअल हमने हमने कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो नहीं दिखा रहा है। एफएनओ में देख सकते हैं, करेंसीज़ का यहाँ देख सकते हैं, कमोडिटीज़ का कमोडिटीज़ वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे PDF का आपको सिंबल दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसमें आप क्लिक करेंगे, नीचे आप PDF ओपन करके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे आपको PDF फॉर्म में भी अपना P&L स्टेटमेंट मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास PDF फॉर्म में हमारा P&L स्टेटमेंट है। तो ऐसे ही कुछ फ्यू स्टेप्स में आराम से आप अपना P&L देख सकते हैं 5paisa में और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।